हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए, हमने बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन की ड्रेस बनाई है। ये है हमारी नीचे की स्कर्ट और ये ऊपर से चोली आएगी। चोली आप देखिए कितनी कंफर्टेबल है। ये पीछे से खुलेगी, पीछे से भी एकदम सेम है। ये इतना बड़ा यहाँ पर होल है तो पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये फ्रिल्स है गोपाल जी के स्लीव पे आ जाएंगी। और ये हमने आगे डोरी लगाई है ऐसे बांधने के लिए। और ये देखिए किस तरह का डिज़ाइन आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेगी पहनाने के बाद। तो वीडियो के एंड में मैंने गोपाल जी को पहना के दिखा दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वीडियो में सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट बता दिया है, तो आप वीडियो पूरी देखें। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूँ और आपको बता दूँ कि क्या दिक्कत हो रही है और क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले येलो कलर में अस्तर का फैब्रिक लिया है। ये देखिए, यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने रखी है 5.5 इंच और टोटल लंबाई हमने रखी है 90 इंच 7 नंबर के कान्हा जी के लिए। सभी साइज़ के लिए आप मेज़रमेंट देख लें। 0 साइज़ के लिए आपको ये चौड़ाई इसकी रखनी है 3.75 इंच। तो ये 3.75 इंच हमारा क्या है, ये देखिए, ये है आपका हमारा 3.75 इंच, 3.5 इंच से थोड़ा सा अधिक। तो ये हमारा 3.75 इंच हो गया है। और 1 नंबर के लिए हो जाएगा ये 4 इंच, 2 नंबर के लिए 4.25 इंच, 3 नंबर के लिए 4.5 इंच, 4 नंबर के लिए 4.75 इंच, 5 नंबर के लिए 5 इंच, 6 नंबर के लिए 5.25 इंच, 7 नंबर के लिए 5.5 इंच, 8 नंबर के लिए 5.75 इंच, 9 नंबर के लिए 6 इंच और 10 नंबर के लिए 6.25 इंच। तो मैंने आपको चौड़ाई बता दी, लंबाई देख लेते हैं सभी साइज़ के लिए। 0 साइज़ के लिए 55 इंच, 1 नंबर के लिए 60 इंच, 2 नंबर के लिए 65 इंच, 3 नंबर के लिए 70 इंच, 4 नंबर के लिए 75 इंच, 5 नंबर के लिए 80 इंच, 6 नंबर के लिए 85 इंच, 7 नंबर के लिए 90 इंच, 8 नंबर के लिए 95 इंच, 9 नंबर के लिए 100 इंच और 10 नंबर के लिए 105 इंच। अब आप लोग पूछते हैं कि दीदी, आपने ये मेज़रमेंट बताई है तो क्या सभी ड्रेसेस में यही मेज़रमेंट होगी? तो जी नहीं, मैं सभी ड्रेसेस की मेज़रमेंट आपको अलग से बता दिया करती हूँ, क्योंकि सबकी मेज़रमेंट लगभग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है। इसलिए सभी ड्रेस में मैं सभी साइज़ के लिए मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ड्रेस बनाने में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऐसे फोल्ड करके हम सिलेंगे। तो जब हम फोल्ड करके सिलेंगे तो ये लगभग हमारा 1 इंच चला जाएगा सिलाई में, ये देखिए ऐसे करके। और यहाँ से सिलने के बाद हमने ये मरून कलर में लेस ली हुई है, ये देखिए हल्की सी ऐसी फर वाली लेस है, इसे हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ये देखिए ऐसे करके। तो चलिए हम यहाँ पर इतना काम करते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये लेस अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे प्लेट बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें काफ़ी घनी प्लेट डालनी है। हमने 90 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया है, ये देखिए ऐसे करके हम थोड़ी घनी प्लेट डालेंगे। तो चलिए हम प्लेट डाल लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर प्लेट डाल दी है। और प्लेट डालने के बाद अपने पूरे फैब्रिक को इकट्ठा करके यहाँ पर हमने 6 इंच में कर लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 इंच है, मतलब हमारी कमर हो गई है 6 इंच। 7 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने कमर रखी है 6 इंच। आप सभी साइज़ के लिए मेज़रमेंट देख लें। 0 साइज़ के लिए आपको रखनी है 2.5 इंच, 1 नंबर के लिए रखनी है 3 इंच, 2 नंबर के लिए रखनी है 3.5 इंच, 3 नंबर के लिए रखनी है 4 इंच, 4 नंबर के लिए रखनी है 4.5 इंच, 5 के लिए 5 इंच, 6 नंबर के लिए 5.5 इंच, 7 नंबर के लिए 6 इंच, 8 नंबर के लिए 6.5 इंच, 9 नंबर के लिए 7 इंच और 10 नंबर के लिए 7.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे आपको मेज़रमेंट बता दी। अब हमने यहाँ पे देखिए सिंपल सा एकदम सीधा 2 इंच चौड़ाई का ये फैब्रिक लिया है, अस्तर वाला ही है। हमने यहाँ से इसे ऐसे एक बार फोल्ड करना है, फिर इधर से फोल्ड करेंगे। अब देखिए ये डबल हो जाएगा, और डबल करने के बाद हम एकदम सीधा सा अपनी कमर पर रख के और सिल देंगे। ये देखिए बहुत आसान तरीका है ये नेफा बनाने का। तो चलिए हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएँगे क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा दी है, ये देखिए बैक से इस तरह से लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे फ्रंट पे ले आएंगे और यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर इसे एकदम सिंपल सा ऐसे सीधा इसके ऊपर पलट के सिलना है और इसके अंदर डाल देनी है ये डोरी। ये देखिए
पलट के सिल देंगे। तो ये हमारा नेफ और डोरी दोनों बन जाएगी। चलिए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया, नेफा बना दिया। अब ये नीचे की जो हमारी ड्रेस है वो रेडी हो गई है। अब ऊपर के लिए हमने यहाँ पे देखिए ये लेस ली है, हमने इसमें से कट की है, ये देखिए। तो ये मरून और गोल्डन में ही है लेस भी हमारी। इसे हमें चोली बनानी है। अगर आपके पास इस तरह की लेस नहीं है तो आप क्या करें, इतना ही ऐसे ही चौड़ा, जैसे जितनी भी चौड़ी आप चोली बनाते हो, मैं चोली लेती हूँ गोपाल जी की, फिर आपको समझा पाऊँगी अच्छे से। तो ये देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे ये एक टॉप ले ली है अपने गोपाल जी की। आप कोई भी चोली ले सकते हैं, बस हम लंबाई मेज़र करेंगे। तो ये जो हमने लेस कट की है, अगर हम इसे डबल करेंगे तो आप देखेंगे तो ये हमारी चोली से इतना लंबा है। हमें थोड़ा लंबा चाहिए अपनी चोली से। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है, और चौड़ाई मैं आपको बता दूँ, ये देखिए जितनी भी यहाँ पर चौड़ाई है उतनी चौड़ाई हमें लेनी है। चूँकि ये स्लीव वाला है, हमें ये देखिए इतना चाहिए। तो ऐसे करके आप चौड़ाई मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप अपने किसी भी पुराने चोली से ऐसे चौड़ाई ले लें फैब्रिक की, इतना चौड़ा आप तैयार कर लें पूरा। टोटल साइड से मोड़ के सिलने के बाद इतना चौड़ा आपको तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद आप क्या करें, इस पर एक दो तीन बार ऐसे लेस लगा दें सीधी सीधी, तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगी ड्रेस मिक्स एंड मैच करके। जैसे अब हम मैरून और येलो में बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक बार मरून, एक बार गोल्डन, एक बार मरून, एक बार गोल्डन ऐसे लेस लगा सकते हैं, या फिर मरून गोल्डन और येलो तीनों कलर मिक्स करके लगा सकते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इसे ऐसे लिया और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमें नेक कट करनी है छोटी सी, तो गला कट कर देते हैं, छोटा सा ही कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया, ये देखिए। कट करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ी दूर नीचे तक कट करेंगे, क्योंकि अगर इतना छोटा रहेगा तो पहनाने में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ से हल्का सा शेप दे देते हैं जिससे हमें दिक्कत आओ। ये देखिए ये कुछ इस तरह का आया है, ये देखिए पूरा इतना खुला है। इतने में हम गोपाल जी को आसानी से पहना सकेंगे इसे। अब देखिए हमने यहाँ पे ये टिश्यू रिबन लिया है, इसकी जगह पे आप नॉर्मल रिबन भी ले सकते हैं, जो हमारी शैटन रिबन आती हैं। हम क्या करेंगे, टिश्यू रिबन को पहले यहाँ से एक बार ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ ऐसे रख के हम इसे पूरे पे सिलाई लगा देंगे, यहाँ से पूरा और यहाँ तक। चलिए सिल लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ऐसे ये देखिए पीछे की साइड पलट देंगे। हम पाइपिंग बना लेंगे इसी से, और ये लॉक भी हो जाएगा हमारा एकदम। ऐसे पलट देना है पीछे की साइड पूरा, ये देखिए हल्का हल्का सा बस दिखेगा, और अगर दिखे तो भी ठीक है, नहीं दिखे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें यहाँ पे लॉक ही करना है इसे ऐसे करके, ये देखिए सिलाई लगा देंगे। तो चलिए हम इसे सिल देते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसे भी हमने दोनों साइड से फोल्ड करके सिल दिया, इधर से भी हल्का सा फोल्ड करके सिल दिया और इधर से भी। और अब हमने यहाँ पे ये देखिए क्या करना है, ये अपनी मरून वाली पतली वाली लेस लेनी है, ये वाली, और इसे हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए यहाँ नीचे से ऐसे करके, और ये ऐसे आएगी इधर से भी, जैसे हल्का हल्का सा फर समझ में आए बस, और इधर से भी लगा देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। और ऐसे ही हम पीछे से भी लगा लेंगे। और इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पे देखिए ये 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली हुई है येलो कलर में, इसे हम ऐसे डबल करेंगे और एक बार प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगा देंगे तो ये चिपक जाएगा यहीं पे, और यहाँ पे हमें ऐसे प्लेट डाल के सिलाई लगा देनी है। चलिए हम इतना काम करते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये लेस अंदर से ना लगा के ऊपर से ही लगा दी है, हमें तिरछा सा चाहिए था, तो एक साइड हमने देखिए इसे कट कर दिया है। इस साइड भी हम कट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे हल्का सा तिरछा करके कट करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से, और इधर से भी कट कर देंगे इसके फर को हल्का सा तिरछा करके, ये हमने कट कर लिया। और अब हमने ये फ्रिल भी डाल ली है इसमें, देखिए हमने 2 सिलाई लगाई है, क्योंकि अगर बहुत पतला लेके हम फ्रिल बनाते तो हमारी फ्रिल अच्छे से नहीं बनती, इसलिए हमने फैब्रिक चौड़ा लिया। फिर यहाँ से बनाने के बाद यहाँ से भी 1 सिलाई लगा दी, यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देते हैं, ये देखिए बहुत आसानी से हो गया। और इसे ऐसे हम डबल करेंगे, और डबल करने के बाद हम 2 भाग में कट कर देंगे, ये हमने कट कर दिया। एक को हम एक साइड से लगाएंगे और एक को हम यहाँ पे रख के सिलेंगे। चलिए सिल देते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डोरी ले ली है,
डोरी को हम यहाँ रख के ऐसे सिल देंगे, ये हमारे बांधने के काम आएगी। तो चलिए हमें तमाम करते हैं, फिर हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद गोपाल जी को पहना के देखेंगे उनके ऊपर ये पोशाक कैसी लग रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ड्रेस तो रेडी हो गई है, अब हमने यहाँ पे गोपाल जी को ले लिया है, तो इनकी पोशाक पहनाएंगे इन्हें। पहले हम नीचे वाली घेर पहनाएंगे, यहाँ से ऐसे बीच में करते हैं, और आज इन्होंने येलो कलर में ही नेपे भी पहनी है। ये देखिए नेपा है, इसलिए हम यहाँ से हल्का सा टाइट कर सकते हैं इसे, बहुत अच्छी फिटिंग आती है नेफे पे। ये देखिए, और ये फुल साड़ी हम सही कर लेंगे। और अब बारी है चोली की, तो चोली हमें कैसे पहनानी है, यहाँ पे काफ़ी सारे धागे निकले हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये हिस्सा ऐसे करके पहनाएंगे और यहाँ से ये हमें बांध देना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके बांधेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने पोशाक पहना दी है। चलिए मैं सामने से दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसी लग रही है पोशाक। ये देखिए हमने यहाँ पे पोशाक पहना दी गोपाल जी को, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से एकदम डिफरेंट स्टाइल की पोशाक हमने बना के रेडी की हुई है, आप देखें। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रेस कैसी लगी, आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।